कक्षा फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या करेंगे आज? जेंडर यानी लिंग परिवर्तन। ठीक है, पहले लाइनें खींचेंगे, लाइनों में करना है हमें, सबसे पहला काम है लाइनें खींचना। जैसे जी ओ डी, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? देवता। गॉड का मतलब क्या होता है? देवता। गॉड का जेंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉडेस। जी ओ डबल डी ई एस, ई डबल एस। गॉडेस का मतलब क्या हो जाता है? देवी। गॉडेस का मतलब क्या हो जाता है? देवी। गॉडेस का मतलब क्या हो जाता है? देवी। गॉड का मतलब देवता, गॉडेस का मतलब क्या होता है? देवी। गॉडेस का मतलब क्या होता है? देवी। अगला है सर्वेंट, एस ई आर वी ए एन टी, एस ई आर वी ए एन टी, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर। क्या होता है? नौकर। और मैड, एम ए आई डी, एम ए आई डी, मैड का मतलब क्या हो जाता है? नौकरानी। क्या होता है? नौकरानी। नंबर तीन पे दिया हुआ बुल, बी यू डबल एल, बुल। बुल का मतलब होता है सांड। क्या होता है? सांड। इसका जेंडर क्या हो जाता है? काऊ। काऊ का मतलब क्या होता है? गाय। काऊ का मतलब क्या हो जाता है? गाय। काऊ का मतलब क्या हो जाता है? गाय। काऊ का मतलब क्या हो जाता है? गाय। नंबर चार पे दिया हुआ है ही, एच ई ही। ही का मतलब क्या होता है? वह। इसका जेंडर क्या हो जाता है? सी। सी। ही का क्या हो जाता है? सी। सी का भी मतलब क्या होता है? वह। अब उसके बाद में गणित में हम सीख रहे हैं गुणा करना। क्या सीख रहे हैं? गुणा करना। जैसे सवाल दिया हो, चार पाँच छः इंटू तीन, ठीक है। नंबर दो पे दिया हो, छः चार पाँच इंटू छः। उसके बाद में नंबर तीन पे दिया हो, छः तीन पाँच इंटू चार। नंबर चार पे दिया हो, चार पाँच छः इंटू तीन। अब गुणा करना है तो दो सवाल आपको सी डब्ल्यू में मैं यहाँ कराऊँगा, दो आपको एस डब्ल्यू में घर से करना है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है, यानी तीन का पहाड़ा छः बार बोला है। तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पाँच पंद्रह, तीन छः अट्ठारह। ये अठारह हो गया, अठारह का आठ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अठारह का आठ यहाँ लिख, पीछे जो बच गया वो हासिल पाई होता है, आगे आने वाली संख्या पर लगा देते हैं। अब उसके बाद तीन का पहाड़ा पाँच बार बोलेंगे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पाँच पंद्रह, ठीक है। हासिल पाई इसमें जोड़ा जाता है, तो पंद्रह और क्या हो गया? सोलह। तो सोलह का छः यहाँ लिख देंगे, पीछे एक बच गया, क्या हो गया? हासिल पाई। तीन का पढ़ा चार बार, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह। बारह में एक हासिल पाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तेरह। लास्ट में पूरी संख्या में उतारना होता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ तेरह का तेरह लिख दिए और हासिल मिटो दिए। अब दूसरा सवाल, छः से
गुणा करना है तो छः का पहाड़ा पाँच बार बोलेंगे, छः कम छः, छः दूनी बारह, छः तीन अठारह, छः चौक चौबीस, छः पाँच तीस, तीस आ गया। तीस ऐसे लिखते हैं तो तीस का जीरो यहाँ लिख देंगे, पीछे बच गया तीन, तो तीन क्या हासिल पाई। अब छः का पहाड़ा चार बार बोलेंगे, छः कम छः, छः दूनी बारह, छः तीन अठारह, छः चौक चौबीस, चौबीस में तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा सत्ताईस, सत्ताईस का सात यहाँ लिख देंगे, पीछे बच गया दो, दो क्या हो गया हासिल पाई। छः का पहाड़ा छः बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा छत्तीस, इसमें दो हासिल पाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अड़तीस, ये पूरा का पूरा अड़तीस यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, दो मैं करके बताया हूँ, दो आपको अपने आप करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।